क्या होती उतरन। चलाओ गोल। मारो हमें। हम कहते हैं गोली चलाइए वंश भैया। हमने जो कुछ भी किया आज तक अपने प्यार को पाने के लिए किया, लेकिन आपने मिस्टर वंश सिंह बुंदेला नशेड़ी। पागल, सही सुना आपने। हम इच्छा से तहे दिल से नफरत करते हैं, लेकिन उसकी सच्चाई पर हमने कभी शक नहीं किया। लेकिन आपने आपने उसकी सच्चाई पर भी शक किया और उसके चरित्र पर भी। हमें मारकर भी उससे नजरें कैसे मिलाएंगे आप? जिन हाथों से दिन रात आपने इच्छा पर अत्याचार किए, उन्हीं हाथों से आप उसे अपनी बाहों में लेंगे? घिन नहीं आएगी आपको अपने आप से? आपने, आपकी बीमारी ने, आपके पूरे परिवार ने, आपने वंश भैया, आपने इच्छा को एक जीती जागती लाश बनाकर रख दिया। वो दिन रात गिड़गिड़ाती रही, विनती करती रही आपसे कि मुझ पर विश्वास करो वंश, मेरा विश्वास कीजिए, लेकिन आपने विश्वास नहीं किया। इतना कमजोर था आपका प्यार? आप तो एक ऐसे महापुरुष हैं कि आप अपनी बीवी, अपने छोटे भाई पर ही शक करने लगे। सिर्फ आप ही की खातिर आपके छोटे भाई ने अपना घर छोड़ दिया। सिर्फ आपकी वजह से वंश भैया, हम तो गुनहगार है ही, पर असली गुनहगार तो आप हैं। इच्छा के गुनहगार, वीर के गुनहगार। आपका और हमारा गुनाह एक है तो सजा भी एक ही होनी चाहिए ना? अगर हमारी सजा मौत है तो आपकी? तुमने सही कहा तपस्या, जिसने पाप किए सजा उसे ही मिलनी चाहिए। जिसने सबको बर्बाद किया है अंत भी उसी का होना चाहिए। आज ही होगा अंत तपस्या ठाकुर, आज होगा अंत। Ah! Hey!
ये आधा सच है वीर, हमने पंच भैया को नहीं मारा। कुछ नहीं किया। हमने गोली नहीं चलाई थी। बिल्कुल तपस्या, आई अग्री विथ यू। लेकिन तुम उस दिन पुराने किले पर गई क्यों थी? और जब तुम इस सब की अकेली गवाह थी तो तुम चुप क्यों रही? क्यों तुमने उस दिन सच नहीं बताया जब इच्छा मुझ पर आरोप लगा रही थी? बोलो, तब सच बोली जब पुलिस को तुम्हारे पुराने किले पर होने का सबूत मिल चुका था। You're absolutely right. तुमने भैया को नहीं मारा, तुमने गोली भी नहीं चलाई, पर तुमने एक लड़खड़ाते बीमार आदमी को मौत की कगार पर खड़ा करके उसे धक्का दे दिया। आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया तुमने भैया को। ये सब क्या है? दिव्या, दिव्या, दिव्या तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? जोगी, जोगी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? चुप क्यों हैं? आज सुबह तपस्या इसी सबूत को मिटाने के लिए घर से बाहर गई थी। लेकिन उसकी बदकिस्मती कल रात ही मेरी मुलाकात तो उस आदमी से हुई जो तपस्या को बार बार एसएमएस कर रहा था। इससे अपना मुंह बंद रखने की रकम मांग रहा था। जानना चाहेंगे कौन है वो इंसान? उस इंसान का नाम है सिद्धार्थ वर्मा। सिद्ध, कम से कम इच्छा इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि तपस्या और सिट के बीच में क्या रिश्ता था।
क्योंकि जब मैं तपस्या से मिलने आया था तब तपस्या और सिद्ध के बीच में दोस्ती थी। ये मुझे और इच्छा को घंटों रेस्टोरेंट में अकेला बैठा छोड़कर सिद्ध से मिलने जाती थी। क्यों? क्योंकि ये सिद्ध से प्यार करती थी। लेकिन जब मैं और इच्छा करीब आने लगे तो यह भी तपस्या से बर्दाश्त नहीं हुआ। और इसने क्या किया? सिट को भी अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। और अपना सच्चा प्यार हासिल करना तपस्या की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन गया। और इसने अपने प्यार को हासिल किया भी, लेकिन कैसे? सही मौके पर अपनी कलाई काट के। इसने इच्छा को भी मजबूर किया और खुद इच्छा की जगह दुल्हन बनकर आके मंडप में बैठ गई। शादी की रस्म अनजाने में पूरी तो हो गई, लेकिन वो शादी नहीं, धोखा था। और इसी धोखे की वजह से मुझे मेरे घर वालों के सामने झुकना पड़ा। मैंने इसे अपने घर की बहू की तरह अपना तो लिया, लेकिन ये बेचारी कभी मेरा प्यार नहीं जीती। मैं इसे तलाक देना चाहता था, और तलाक मतलब तपस्या ठाकुर की हार। जो इसे कभी बर्दाश्त नहीं हो सकता था, इसलिए अपनी हार को जीत में बदलने के लिए इसने सिट का इस्तेमाल किया। और उसे इच्छा पे गोली चलाने को भी उकसाया। जिस तरह वंश भैया पर गोली तपस्या ने नहीं चलाई, उसी तरह इच्छा पर भी गोली इसने नहीं चलाई। यस तपस्या, ना तुमने वंश भैया पर गोली चलाई और ना ही इच्छा पर, लेकिन इन दोनों हादसों के पीछे जिम्मेदार तुम ही थी। इच्छा को मारने की साजिश तपस्या ने ही की थी। हाँ, हमने इच्छा को मारने की साजिश की। हमारा खून खौलता है जब भी इस लड़की को हम देखते हैं।
हमसे हमारा हक, हमारे माँ पापा, हमारा प्यार छीनने वाली इस लड़की को जीने का कोई हक नहीं।